हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी मार्बल केक। मेरी चॉकलेट मार्बल केक और कॉफ़ी मार्बल केक की रेसिपी आप सबने बहुत पसंद की, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। बहुत सारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि मार्बल केक में मैदे की जगह सूजी कैसे यूज़ कर सकते हैं। सूजी से भी बहुत सॉफ्ट और टेस्टी मार्बल केक बनता है, बस प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सूजी से मार्बल केक कैसे बनाना है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्बल केक बनाने के लिए हम 1 कप और आधा कप सूजी लेंगे ब्लेंडर में। इसे हम ग्राइंड करेंगे। कैसी भी सूजी हो, मोटी या फाइन वाली कोई भी सूजी है, उसे ग्राइंड करना ज़रूरी है। तो पहले हम 2 मिनट के लिए सूजी को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फाइन पाउडर बन गई है सूजी। हम ब्लेंडर में ही डालेंगे 1 कप चीनी। और 1/2 कप घी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर या बिना स्मेल वाला रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 कप फ्रेश कर्ड, ये घर में बनाया हुआ फ्रेश कर्ड है। और 1/2 कप मिल्क। और इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई है और बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन गया है। अब हम इस बैटर को ट्रांसफर कर देंगे मिक्सिंग बोल में और इसे हम करीब 1/2 घंटे से 1 घंटे तक इसे हम रेस्ट करने देंगे। मिनिमम 1/2 घंटा इस बैटर को हमें रेस्ट करने देना है। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और अच्छी तरह मिला लेंगे वनीला एसेंस को बैटर में। अगर वनीला एसेंस आपके पास नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए बैटर रेडी है, इसे हम ढककर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। सूजी का फूलना बहुत ज़रूरी है। जितना सूजी अच्छे से फूलेगी केक हमारा उतना ही सॉफ्ट बनेगा। आइए अब हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ मैंने 8 इंच डायमीटर का केक टिन लिया है। इसमें मैं 1 स्पून ऑयल डालूंगी और इसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो इसमें आप बटर पेपर लगा सकते हैं, उससे केक को निकालना ईजी हो जाता है। और आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो इसमें मैदा डस्ट कर सकते हैं। 1 चम्मच मैदा डालकर चारों तरफ इस तरह से मैदे को अच्छे से फैला लें और इस तरह से केक टिन हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली केक टिन रेडी है, इसमें आप केक चिपकेगा नहीं। ये देखिए करीब 1 घंटे के बाद मैं यहाँ बैटर को देख रही हूँ। तो ये बैटर देखिए हमारा फूल चुका है अच्छी तरह, सूजी फूल चुकी है, बैटर थिक हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क और मिल्क को अच्छी तरह बैटर में मिला लेंगे। बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। सूजी के केक के लिए दही इम्पॉर्टेंट है। दही सूजी के केक को मॉइस्ट और सॉफ्ट बनाता है। दही बिल्कुल फ्रेश वाला यूज़ कीजिए, खट्टी वाली दही यूज़ ना करें, उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है केक का। ये देखिए बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बैटर में इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल स्लोली मिक्स करेंगे बैटर में इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल स्लोली स्लोली मिक्स करके ये देखिए हमारा परफेक्ट बैटर रेडी है। कोई भी इसमें लंप नहीं है, बिल्कुल स्मूथ बैटर है और काफी फ्लफी लग रहा है देखने से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैटर है इसे हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बोल ले लिया है, इसमें हम बैटर को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इतना ही थिक हमें बैटर को रखना है। पतला रखने से जो हमारा डिज़ाइन है मार्बल केक का वो ख़राब हो जाएगा। 1 बोल में हम डालेंगे यहाँ 2 टीस्पून कोको पाउडर और इसे भी अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर डालने के बाद अगर आपका बैटर थिक हो जा रहा है तो आप इसमें 1 टीस्पून या 2 टीस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है बैटर में। तो ये हमारा एक वाइट और एक ब्लैक बैटर रेडी है। अब हम यहाँ एक पैन प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। पैन में एक स्टैंड रख दिया है इस तरह का, अगर स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट रख दीजिए और इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने देंगे।
और इसी बीच हम अपना बैटर रेडी कर लेते हैं केक टिन में डालकर। तो पहले हम केक टिन में डालेंगे वाइट बैटर और इसे हम थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे जो चॉकलेट वाला बैटर है, ब्लैक बैटर, और बिल्कुल सेंटर में हमें डालना है बैटर को। और इस तरह के स्पून से हम एक एक स्पून बैटर डालते जाएंगे और इस तरह से बैटर को स्प्रेड करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा टैप भी कर देंगे केक टिन को, ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अल्टरनेटली हमें एक बार वाइट बैटर और एक बार चॉकलेट बैटर डालते जाना है और इसे थोड़ा टैप कर देना है। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा जो ये दोनों बैटर है ये दोनों फिनिश ना हो जाए। आप देख सकते हैं अच्छा सा डिजाइन बनता जा रहा है बैटर का। बैटर न ज्यादा थिक है और न ही ज्यादा पतला है। ये हमारा वाइट बैटर फिनिश हो गया है। बीच में मैं थोड़ा सा चॉकलेट बैटर डाल देती हूँ। ये देखिए मेरा चॉकलेट बैटर भी फिनिश हो गया है। तो बैटर पूरा मैंने केक टिन में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक टूथपिक से इस तरह से बैटर के ऊपर डिजाइन बना देंगे ताकि ये देखने में सुंदर लगे। टूथपिक को हमें पूरा बैटर के अंदर नहीं ले जाना है, बस ऊपर ऊपर हमें डिजाइन बनाना है इस तरह से। इस तरीके से हम टूथपिक को बाहर से अंदर की ओर लेकर आएंगे और इस तरह से लाइन बनाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन बन जाता है, ये देखिए। और एक बार हम अंदर से बाहर की ओर टूथपिक को ले जाएंगे और हर बार हमें टूथपिक को क्लीन कर लेना है, इससे हमारा डिजाइन एकदम क्लीन बनेगा। ये डिजाइन बिल्कुल रेडी है मार्बल केक का। इसे हम इमीडिएटली प्रीहीट किए हुए पैन में रख देंगे। पैन हमारा प्रीहीट हो चुका है और इसे ढककर हम 30 से 35 मिनट के लिए स्लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। ये देखिए मैंने पैन को बड़े वाले बर्नर पर रखा है, तो मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो करके रखा है। और अगर आप छोटे बर्नर पर रखेंगे तो फ्लेम को मीडियम से स्लो के बीच में रखें, थोड़ा सा बढ़ा के रखें, तो इससे जो केक है हमारा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसे बेक कर सकते हैं 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। ये देखिए करीब 30 मिनट के बाद केक हमारा फूल कर कुछ इस तरह का हो गया है। इसे चेक कर लेते हैं एक नाइफ से। ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन है, तो इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब हम केक को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसे डीमोल्ड करेंगे। देखिए केक हमारा बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे चाकू से। इसे पहले साइड से हम लूज कर लेंगे। सूजी का केक गरम जब रहता है तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, इसलिए जब गरम हो सूजी का केक तो इसे एकदम डीमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो सूजी का केक टूटने लगेगा। बहुत सारे व्यूवर्स को ये शिकायत रहती है कि उनका केक टूट जा रहा है, तो जब पूरा ठंडा हो जाए केक तभी आप उसे डीमोल्ड कीजिए। बहुत ही ईजिली हमारा केक बाहर आ गया, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, एकदम मैदा का जो मार्बल केक बनता है बिल्कुल वैसा ही सूजी से भी मार्बल केक हम बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट ब्यूटीफुल और स्पंजी केक बना है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, और इसके अंदर का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं एकदम स्पंज की तरह बना है। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजीली हम सूजी से भी मार्बल केक बना सकते हैं। और सच पूछे तो मुझे सूजी मार्बल केक मैदे वाले मार्बल केक से ज़्यादा पसंद है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और हेल्दी भी होता है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसमें डेकोरेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल केक है ये। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी, आई होप आपको ये 100% पसंद आने वाली है। और मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।